दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय होप एंड आयुष्मान हॉस्पिटल नागपुर। नमस्कार, मैं आचल लोखंडे, महाराष्ट्र टीवी 24 के खेल समाचार में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं खेल जगत की कुछ अहम खबरों पर। भारत की एक क्रिकेट टीम फिलहाल मैदान से दूर है तो दूसरी एक्शन में आने की तैयारी में है। श्रीलंका दौरे पर गई भारतीय टीम रविवार को 18 जुलाई से अपना दम दिखाना शुरू करेगी। वनडे और T20 सीरीज के लिए इस दौरे पर गई भारतीय टीम में ज्यादातर खिलाड़ी कम अनुभवी या नए हैं। साथ ही टीम को नया कप्तान भी मिला है। सीनियर बल्लेबाज शिखर धवन पहली बार भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगे। टीम के सबसे सीनियर सदस्य होने के नाते धवन को ही कप्तान बनाए जाने की उम्मीद थी, लेकिन टीम में हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी भी थे। भूवी को तो उपकप्तान बनाया गया है, लेकिन हार्दिक को इस जिम्मेदारी के लिए न चुने जाने से उनके कोच निराश है। भारत के 19 साल के निशानेबाज सौरभ चौधरी ओलंपिक में देश के लिए मेडल लाने वाले प्रबल दावेदारों में शामिल है। उन्होंने 2018 में एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। सौरभ चौधरी टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज अब सिर्फ 21 दिन शेष है। 4 अगस्त से नॉटिंघम में शुरू होने वाले इस बहुप्रतीक्षित टेस्ट सीरीज के साथ ही आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के दूसरे दौर की शुरुआत हो जाएगी। इस टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम पिछले लगभग 1.5 महीने से इंग्लैंड में ही है। टीम इंडिया ने इस दौरान पहली टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला, जिसमें उसे हार झेलनी पड़ी। इसके बाद से ही टीम इंडिया के खिलाड़ी 20 दिन की छुट्टी पर है और ये छुट्टी आज खत्म हो रही है। इसके साथ ही टेस्ट सीरीज के लिए आज से भारत की तैयारियां जोरों से शुरू हो जाएगी। टीम के सभी खिलाड़ी आज फिर लंदन में इकट्ठा होंगे। क्रिकेट के खेल में प्रारूप कोई भी हो, मजा तभी आता है जब मुकाबले का रोमांच प्रशंसकों के सिर चढ़कर बोले। हालांकि वनडे और T20 फॉर्मेट में प्रशंसकों की ये मुराद अक्सर पूरी हुई हो जाती है, लेकिन सबसे खुशनसीब फैंस तो वो है जिन्हें टेस्ट क्रिकेट में रोमांच का तड़का नसीब हो जाए। 14 जुलाई को खेले गए जिस मुकाबले की बात हम करने जा रहे हैं, उसमें भी रोमांच कुछ इसी तरह का था। मामला इस कदर संजीदा था कि मैच खत्म हुआ, खेल खत्म होने से ठीक 4 मिनट पहले लक्ष्य मामूली बेशक था, लेकिन फिर भी उसे हासिल करने के लिए ताबड़तोक बल्लेबाजी जरूरी थी। यूएफा यूरो 2020 का समापन हो चुका है और इटली ने दूसरी बार यूरोपियन चैंपियंस का खिताब जीत लिया। फाइनल में इटली ने इंग्लैंड की पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से मात देकर इस खिताब पर अपना कब्जा किया। इटली ने न सिर्फ खिताब जीता बल्कि इस टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ टीम भी रही, क्योंकि इस दौरान उसने सारे मैच जीते। ऐसे में अब यूएफा का ओर से यूरो 2020 की टीम ऑफ द टूर्नामेंट जारी की गई है, जिसमें इटली के 5 खिलाड़ियों को जगह मिली है। खेल समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार।